ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं राजकुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुस्वागतम, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज राखी थी और आपने सेलिब्रेट किया होगा, तो राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मैं अपने साथ जुड़ने वालों की बात करूं तो मेरे साथ आसिफ प्रियेश जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं डिफरेंस क्या है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में। इन दोनों में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बहुत थोड़ा सा अंतर है, मगर आप इस अंतर को कई बार समझ नहीं पाते हो और जिसकी वजह से आप बार बार परेशान होते रहते हो। आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, क्या दोनों में अंतर है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। राइट, आज का के क्लास की स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन से आप लोगों से करता हूं। मेरा सवाल ये है, अजय कुमार, अजय आपको खाने में क्या पसंद है, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है अजय आपको? मान लीजिए मैंने अजय से सवाल पूछा कि अजय आपको खाने में क्या पसंद है, और अजय का जवाब आया कि सर मुझे खाने में गुलाब जामुन पसंद है। मान लीजिए अजय ने कहा सर मुझे खाने में गुलाब जामुन पसंद है। अब अजय के सामने मैंने दो ऑप्शन दिए, पहला अजय अभी आपको 10 गुलाब जामुन दे दूं मैं खाने के लिए, या मंडे को मैं आपको 2 किलो गुलाब जामुन दूं खाने के लिए। तो अजय कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? मंडे मींस कल, मान लीजिए ट्यूजडे को मैं आपको 2 किलो गुलाब जामुन दूं खाने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन आप प्रेफर करोगे? अजय, एक ऑप्शन है अभी के अभी 10 गुलाब जामुन मिलेगी खाने को चिंटू को, जो बहुत पसंद है चिंटू को। दूसरा, अगर आप कल के लिए तैयार होते हो तो कल आपको 2 किलो गुलाब जामुन मिलेगी। क्या ऑप्शन आपको आपको चाहिए अभी? आसिफ का कहना अभी चाहिए, अभी के अभी, फैसला तुरंत होना चाहिए। क्या होगा बोलो? अजय कुमार का ने मेरी बात को आसिफ बोल दिए सर, अभी भूख लगी है प्रियेश गौर को भी। तो आपके सामने दो प्रकार के फैसले थे, पहला क्या आपको 10 गुलाब जामुन अभी चाहिए या 2 किलो गुलाब जामुन आपको कल चाहिए। तो आपने कहा कि सर मुझे आज ही चाहिए, भले 10 ही गुलाब जामुन मिले। कारण कारण क्या है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपको यह बात सोचनी चाहिए कि अगर आपको कल गुलाब जामुन, एक दिन का वेट आप कर लोगे तो 10 गुलाब जामुन की बजाय आपको 2 किलो गुलाब जामुन मिलेगी, संख्या में ज्यादा होगी, मात्रा में ज्यादा होगी, तो आप लंबे समय तक खा सकते हो। आपने आज ही 10 गुलाब जामुन क्यों चूज किया? कारण कारण आपने आज के लिए 10 गुलाब जामुन क्यों चूज किया? भाई कल अगर आप वेट कर लेते कल तक तो आपको ढेर सारे गुलाब जामुन मिलती, क्यों नहीं वेट किया? उस गुलाब जामुन को आप फ्रिज में रख देते, आप हर दिन थोड़ी थोड़ी खाते रहते। आज ही क्यों 10? अजय का कहना है भूख लगी है सर इसलिए। अच्छा, भूख लगी है। और देखो, हमारे पास हमेशा किसी भी काम को करने के बाद दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, पहला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, दूसरा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब किसी काम को करके हम तुरंत आनंद चाहते हैं, तुरंत मजे लेना चाहते हैं, तुरंत संतुष्टि चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट एट द सेम टाइम। ठीक है, तुरंत उस काम को करके तुरंत मजे लेना चाहते हैं, यह है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस काम को करने के बाद जो आपको मजा मिलता है ना, वो इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, मीन्स कुछ समय के लिए क्षणिक मिलता है, एक घंटे के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए हो सकता है, मगर लंबे समय के लिए आपको आनंद नहीं मिलता है इस काम को करने के बाद। स्मॉल रिवार्ड, जो रिवार्ड भी आपको मिलता है ना, वो छोटा रिवार्ड मिलता है। वहीं अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को देखो, इसमें आपको जो रिवार्ड मिलता है वो देर से मिलता है, डिलेड रिवार्ड मिलता है। डिलेड का मतलब देर से मिलता है, मगर जो रिवार्ड मिलता है वो बड़ा रिवार्ड मिलता है, यानी आपकी लाइफ को परिवर्तन करने वाला ज्यादा यूजफुल रिवार्ड मिलेगा, मगर देर से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है, आपको रिवार्ड तुरंत मिलता है मगर छोटा मिलता है। हमको इस दोनों में चूज किसको करना चाहिए?
हमको इन दोनों में चूज किसको करना चाहिए? आपने जवाब दे दिया, मैंने पूछा आज 10 गुलाब जामुन या कल 2 किलो गुलाब जामुन, तो कल का रिवार्ड बड़ा था, 2 किलो गुलाब जामुन, घर वाले भी गुलाब जामुन खाते, मगर आपने उसको चूज नहीं किया क्योंकि वो कल खाना, कल कल तक वेट कौन करता, रात को नींद आती कौन वेट करता, और एक रिवार्ड तुरंत था अभी के अभी, आपने अभी के अभी को पसंद किया। यही लाइफ के हर फील्ड में चलता है, हर फील्ड में यही चीज चलती है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, जो इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर किया गया है, मैं उसी मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं आप सभी लोगों से कहूं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको यूट्यूब नहीं चलाना है, बेकार की वीडियो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, यूट्यूब पे बेकार की वीडियो नहीं देखनी है, आपको बेकार में फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, सैलड खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, ये सब खाना है आपको, ये सब आपको खाना है। अगर मैं कहूँ ये सब आपको एक हफ्ते बाद खाना शुरू करना है ताकि आपकी लाइफ अच्छे से चले, तो आपसे आपका जवाब होगा यस सर, हम एक हफ्ते बाद फॉलो करेंगे। आपका जवाब होगा कि हम एक हफ्ते बाद फॉलो करेंगे। हम सभी के सभी फ्यूचर में बहुत अच्छे होते हैं, हम हर आज्ञा का पालन करते हैं फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर कभी आता ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए एक्सरसाइज करोगे रोज, आप कहोगे हाँ सर करेंगे, सुबह उठोगे हाँ सर उठेंगे, फास्ट फूड नहीं खाना, ग्रीन वेजिटेबल खानी खाओगे, आप कहोगे हाँ सर खाएंगे, किताबें पढ़नी है दिन में 8 घंटे पढ़ना पढ़ोगे, हाँ सर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे, बस सर एक हफ्ते मौज ले लेने दो सर, एक हफ्ते मौज ले लेने दो सर, एक हफ्ते बाद सब कुछ करेंगे जो आप कहोगे। वी ऑल आर आइडियल मैन इन द फ्यूचर। मगर अगर वही मैं आपसे कल सुबह उठने के बाद कहूं कि ये सारी चीजें आपको आज से ही अभी से फॉलो करनी है, तो आप फॉलो करोगे? आप कहोगे सर आज से ही अभी से, सर कुछ दिन रुक जाओ ना। जब आपको कोई काम मेहनत वाला करना पड़ता है तो आप उसमें टाइम चाहते हो, आप कहते हो फ्यूचर में करेंगे, बाद में करेंगे सर, अभी के लिए सर थोड़ा सा आनंद ले लेने दो, यूट्यूब की वीडियो देख लेने दो, सर पिज्जा खा लेने दो, क्योंकि आप तुरंत का एंजॉयमेंट चाहते हो, बाद वाला नहीं। इसी को समझाने वाला एक एक्सपेरिमेंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, और मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट को समझाने वाला मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए अजय को पसंद है गुलाब जामुन, राइट, और आसिफ आपको क्या पसंद है? आसिफ, आसिफ क्या पसंद है आपको? दिस इज अजय एंड दिस इज आसिफ। अजय को पसंद है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन इज टाइप ऑफ स्वीट। अजय, आसिफ आपको क्या पसंद है? क्या पसंद है आसिफ? आसिफ बोल रहे मैगी, मैगी पसंद है, और नहीं खाने वाली सामान, खाने वाला कुछ, एनीथिंग। मान लीजिए आसिफ को चॉकलेट पसंद है, मान लेते हैं, अब इन दोनों से कहा गया, आसिफ से और अजय से, दोनों से इन दोनों से कहा गया कि आपको अभी के अभी, आसिफ को एक चॉकलेट दी गई, डेरी मिल्क की एक चॉकलेट दी गई अभी के लिए, और अजय को 10 गुलाब जामुन दी गई, एक प्लेट में रख करके 10 गुलाब जामुन दे दी गई, और कहा गया कि आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जा रहा है दोनों लोगों को, और आपके सामने गुलाब जामुन, अजय को गुलाब जामुन दे दी गई और आसिफ को चॉकलेट दे दी गई, और कहा गया कि आपको एक घंटे तक ये खाना नहीं है। क्या नहीं खाना है? आसिफ को चॉकलेट नहीं खानी है और अजय को गुलाब जामुन नहीं खाना है। कितनी देर तक? 1 घंटे तक आपको नहीं खाना है। अगर आप 1 घंटे तक अजय आप अगर गुलाब जामुन न खाएं और आसिफ अगर चॉकलेट न खाएं, तो आपको हर दिन आसिफ को एक चॉकलेट मिलेगी और अजय को जो है 1 किलो गुलाब जामुन मिलेगी, 1 केजी गुलाब जामुन।
आप बताओ क्या फैसला होगा आप लोगों का। आसिफ, आप लोगों को दो अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया, एक किसको चॉकलेट दे दी गई, दूसरे को गुलाब जामुन दे दी गई, और ये कहा गया अगर 1 घंटे तक रोक लिया तुमने अपने आप को तो आपको हर दिन आगे से अजय को 1 किलो गुलाब जामुन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और 1 चॉकलेट आसिफ को हर दिन दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या फैसला लोगे आप लोग? अजय कुमार, अजय कुमार बोलो क्या फैसला लोगे? अजय और आसिफ, 1 घंटे तक रुकना है आप लोगों को। नवीन का कहना रुक लूंगा सर, रुक लोगे? आपके सामने सीधा सीधा दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तुरंत का मजा खा लो, मजा ले लो, बस खत्म कहानी, कल का कोई भरोसा नहीं। वहीं 1 दिन रुक जाओ या 1 घंटे रुक जाओ, अपने ऊपर नियंत्रण 1 घंटे तक कर लो और फिर जिंदगी भर का मजा लो। हर दिन गुलाब जामुन फ्री ऑफ कॉस्ट, हर दिन चॉकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट। इन दोनों लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आप लोगों को क्या लगता है इनमें से कौन सक्सेसफुल हुआ होगा? अजय बोल रहा रुक जाएंगे, नियर सक्सेस 1 घंटा रुक जाएंगे। रितेश राज का इतना नहीं रुक सकते। हुआ क्या, दोनों को एक एक कमरे में बंद कर दिया गया और जिस कमरे में बंद किया गया, अलग अलग कमरे में बंद किया गया, उस कमरे में उनके सामने गुलाब जामुन दे दी गई और 1 को चॉकलेट दे दी गई और कहा कि 1 घंटे तक मत खाओ। इनके पास कोई फोन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था जो अपना दिमाग 1 घंटे तक बहला लें। अरे भाई अगर यूट्यूब चला लेते, कोई मूवी देख लेते, शॉर्ट मूवी देख लेते, टाइम तो कट जाता है 1 घंटे का, लेकिन इनके पास इनके दिमाग को बहलाने का कोई ऐसा तरीका था ही नहीं उस कमरे में कि अपने दिमाग को एंगेज कर पाए। कुछ भी ऐसा नहीं था, ना तो कोई किताब थी, मैगजीन भी नहीं थी, मशीन की बुक होती तो मशीन ही पढ़ने लगते, ऐसा कुछ भी नहीं था। न्यूज़पेपर, अखबार कुछ भी नहीं था जो उस कमरे में प्रेजेंट हो जिसमें लोग अपना दिमाग खपा पाए। उस कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में चॉकलेट थी और दूसरे कमरे में गुलाब जामुन थी। टाइम स्टार्ट हुआ, शुरू के 10 मिनट तक तो लोगों ने इंतजार किया, शुरू के 10 मिनट तक इंतजार किया दोनों लोगों ने, नहीं खाएंगे, 1 घंटे की तो बात है, 1 घंटे की तो बात है, रुक जाएंगे, रोज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रोज मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, रुक जाते हैं क्या फर्क पड़ता है। 10 मिनट तक रुक गए, यार कल से तो फ्री ऑफ कॉस्ट चॉकलेट मिलेगी, हर दिन मिलेगी चॉकलेट, अच्छा गुलाब जामुन हर दिन 1 किलो मिलेगी, इससे अच्छी क्या बात है। खुश हो रहा है चिंटू, 10 मिनट तक रोका ऐसा कह के अपने आप को। 10 मिनट के बाद अब दिमाग लगाए तो कहां लगाए, वीडियो देख नहीं सकता लैपटॉप पे, आप फेसबुक कुछ यूट्यूब चला नहीं सकता, या कोई बुक्स वगैरह या मैगजीन वगैरह है नहीं पढ़ नहीं सकता, किसी से बात कर नहीं सकता, तो करे तो क्या करे। तो 10 मिनट बाद क्या किया, आसिफ ने चॉकलेट उठाया, चॉकलेट उठाया आसिफ ने, उसको देख रहे हैं, अच्छा किस कंपनी की चॉकलेट है, अच्छा मैनुफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या, अच्छा कॉस्ट कितनी है इसकी प्राइस, अच्छा देख के फिर उसको हाथ में लेके से खेल रहे हैं। और इधर जिस प्लेट में गुलाब जामुन रखी उस प्लेट को उठा करके, अजय अच्छा 10 गुलाब जामुन है, इसका वेट इतना होता है, अच्छा ठीक है, गुलाब जामुन छोटी छोटी लग रही है, बड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं चलो 10 है तो है। 10 मिनट तक ये किया इन लोगों ने, पहले 10 मिनट तक तो रुक गए दोनों लोग, अगले 10 मिनट तक उस दोनों प्रोडक्ट को लेकर के अपने हाथ में लोग खेल रहे हैं उसके साथ। और उन दोनों के कमरे में कैमरा लगा हुआ था, दोनों के कमरे में कैमरा लगा हुआ था, अंदर वो क्या कर रहे हैं सब कुछ बाहर स्क्रीन पे दिख रहा था, बाहर वाले सब कुछ देख रहे थे। ये करते करते आधा घंटा बीत गया, कितना, 30 मिनट। अब सब्र जवाब दिए जा रहा था, सब्र जवाब दिए जा रहा था आसिफ का भी और अजय का भी, 30 मिनट बीत चुका था, 30 मिनट। अपने आप को कितनी देर रोकोगे भाई, 5 मिनट रोकना मुश्किल हो जाता है, 10 मिनट रोकना मुश्किल हो जाता है, आधा घंटा रोक लिया इन लोगों ने। अब उसके बाद सब्र जवाब दिया जा रहा था, सब्र जवाब दिया जा रहा था, क्या करें, खाएं कि ना खाएं, खाएं नहीं, नहीं नहीं खाएंगे, कल से रोज मिलेगी, 1 दिन रुक जाते हैं क्या फर्क पड़ता है, आधे घंटे रुकना रुक जाते हैं, हर दिन मिलने वाला था इनको जीवन भर, इतना बड़ा रिवार्ड इनके लिए था और सिर्फ 30 मिनट रुकना था। अब क्या करें, दिमाग कहीं बिजी तो हो नहीं सकता था, तो क्या किया अजय ने, क्या किया, गुलाब जामुन वाली प्लेट को ऐसे उठाया, और उनको पता था गुलाब जामुन 10 है, सर ने गिनी है 10 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन नहीं खाने तो क्या कर रहे थे, गुलाब जामुन को ऐसे उठा करके, ऐसे उठा करके होठों पे टच करके ऐसे रख दे रहे थे, दूसरे गुलाब जामुन को होठों से टच के रख दे रहे थे ताकि उसका कोई एक छोटा सा पार्टिकल ही शायद मुंह के अंदर चला जाए और थोड़ी सी तृप्ति मिल जाए, थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाए।
और जब होठों पे लगा रहे थे गुलाब जामुन, मीठा मीठा तो महसूस हो रहा था, ऐसा करके प्लेट में दोबारा गुलाब जामुन को रख दे रहे थे। उनको लगा कि गुलाब जामुन की संख्या काउंट की जाएगी, बाहर वालों को क्या पता कि मैंने उसको टच किया होठों से, जबकि कैमरा लगा हुआ था, बाहर सब कुछ दिख रहा था कि अजय कितने बेकरार हैं, कितनी बेचैनी है अजय के अंदर। और इधर आसिफ क्या है, आसिफ भी वही काम कर रहे हैं, चॉकलेट के पैकेट को ऐसे हाथ में लेकर के, यार खाना तो नहीं इसको, बस चूम रहे थे, चूम रहे थे चॉकलेट के पैकेट को, ये कुछ तो फील आ जाए। चूमते चूमते चॉकलेट के पैकेट का जो ऊपर का कवर था उसको हटा दिया, रैपर हटा दिया, अब हाथ में नंगी चॉकलेट थी, बिल्कुल फेवरेट चॉकलेट आसिफ की। क्या करें, खाए ना खाए, रोक रहे हैं अपने आप को, इधर आ जाए रोक रहे हैं। ये करते करते 45 मिनट हो गया, 45 मिनट, 45 मिनट तक आसिफ और अजय ने अपने आप को रोका, कहा कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अजय ने गुलाब जामुन तो मान लीजिए थोड़ी सी होठों पे लगा के चख ली, अब उसके बाद क्या हुआ, गुलाब जामुन के साथ जो उसका लिक्विड वाला पार्ट था, जिसको आप रस बोलते हो या रस्सा बोलते हो, जो भी था, उसमें उंगली डाल करके अपने होठों पे टच करे तो कुछ तो फील आ जाए। गुलाब जामुन नहीं खाने, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कोई चीज बिल्कुल आंखों के सामने कितनी देर तक, अगर ये कहा जाता जाओ तुम बाहर घूम के आओ 1 घंटे तक उसके बाद आओ तो रोक लेते, मगर सामने रखी हुई थी गुलाब जामुन। अजय ने अंदर प्लेट में अपनी उंगलियां ऐसे चलाई और होठों पे लगाया, और लगाने के बाद अजय बेकाबू हो गए। अजय को लगा रोज रोज मिलेगी गुलाब जामुन, लेकिन कल का क्या भरोसा, कल तक मैं नहीं रोक सकता। अजय ने अपना सब्र तोड़ दिया और सारी की सारी गुलाब जामुन प्लेट की फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हजम कर गए। अजय का सब्र जवाब दे गया 50वें मिनट में, नहीं रोक पाया अजय अपने आप को, अजय फेल हो गए। यहां पे आसिफ, आसिफ का भी सब्र जवाब दे रहा था, मगर चॉकलेट को, नंगी चॉकलेट को हाथ में लिए उसको चूम रहे थे, मगर खा नहीं रहे थे अजय। बार बार देखा, फील किया, तोड़ा मरोड़ा, मगर खाया नहीं। फाइनली आसिफ वॉज सक्सेसफुल, आसिफ 1 घंटे तक चॉकलेट को नहीं खाए, लेकिन अजय ने गुलाब जामुन खा ली। इससे क्या सीखा आपने, अजय डिस्क्वालिफाई हो गए। जी हां, अजय को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था, तुरंत संतुष्टि चाहिए थी। क्या तुरंत संतुष्टि अजय के लिए अच्छी थी? हाँ, गुलाब जामुन खाया तुरंत तो मजा मिला, बट रिवार्ड छोटा था, तुरंत ही केवल गुलाब जामुन मिली। अगर ये रुक जाते कल तक या आधे घंटे और, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में सो बाद में इनको रिवार्ड मिलता ना, वो बड़ा रिवार्ड मिलता, हर दिन गुलाब जामुन मिलती। मगर अजय रोक नहीं पाए, उन्होंने कहा नहीं अभी खा लेते हैं, कल का मेरे को भरोसा नहीं है, कल तक मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। ज्यादातर लोग यही करते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ा रिवार्ड देगी लेकिन कुछ देर बाद देगी, वो काम आप नहीं करते हो, आप वो काम करते हो जो चीज आपको तुरंत रिवार्ड देती है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। जैसे आपके पास खाने के लिए दो ऑप्शन है, आपके पास खाने के लिए दो ऑप्शन है, पहला पिज्जा, दूसरा सैलेड। आप खाने में क्या पसंद करोगे? एक ऑप्शन है पिज्जा, दूसरा ऑप्शन है वेजिटेबल या सैलेड। अगर आप पिज्जा खाते हो तो तुरंत आपको बहुत मजा आएगा, यू विल गेट इंस्टेंट हैप्पीनेस, यू विल गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत आपको मजा मिलेगा। मगर क्या लंबे रन में पिज्जा का खाना आपके लिए हेल्थ स्वास्थ्यवर्धक होगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा? नहीं। आप अगर पिज्जा खाते हो तो तुरंत तो मजा मिलेगा, मगर लंबे समय में आपके शरीर में फैट बढ़ेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मगर आपको तुरंत की खुशी चाहिए थी और आपने तुरंत पिज्जा खा लिया। वहीं दूसरी तरफ सैलेड है आपके पास खाने के लिए, सैलेड अगर आप तुरंत खाओगे तो तुरंत मजा नहीं मिलेगा, उतना फील कहाँ आता है सैलेड खाने में, तुरंत मजा नहीं मिलेगा। मगर अगर आप सैलेड खाओगे रेगुलरली, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी, आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना आपके पास कोई बीमारी रहेगी, आपकी बॉडी अच्छी शेप में रहेगी, आप हर काम अच्छे से कर सकते हो अगर आप अच्छा फील करोगे तो। तो सैलेड खाने से रिवार्ड मिलेगा, मगर देर से रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आप वो काम नहीं करते हो, आप तुरंत मजा वाला काम कर देते हो। अरे बोलो हाँ या ना। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला YouTube में वीडियो देखना, YouTube में वीडियो देखना, गाना देखना हमें तुमसे प्यार कितना, दूसरा राजकुमार सर की मशीन की वीडियो देखना। दो ऑप्शन है YouTube पे, हमें तुमसे प्यार कितना, दूसरी तरफ राजकुमार सर के ट्रांसफॉर्मर की वीडियो, चल रही लड़ाई किसको देखें, मशीन का वीडियो देखेंगे तो डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, दिमाग लगता है, अरे इसको बाद में देख लेंगे ना, राजकुमार सर की वीडियो, राजकुमार सर भागे थोड़ी जा रहे हैं कहीं पे, छोड़ो 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 पीछे करो, हाँ गाने वाली देख लेते हैं, देख लिया गाने वाली वीडियो आपने देख ली,
गाने वाली वीडियो देखने के बाद तुरंत तो मजा मिलेगा, आपको अच्छा महसूस होगा, यू विल फील गुड, बट जितने देर तक गाना सुनोगे, गाना सुनने के 5 मिनट बाद तक, लेकिन 5 महीने बाद गाना सुनने से कोई मजा नहीं मिलेगा। मगर अगर आपने मेरी वीडियो देखी, आपकी नॉलेज बढ़ी, उस नॉलेज का इस्तेमाल आपने एग्जाम में किया, आप जेई बन गए, तो जीवन भर के लिए अचीवमेंट आपके पास है। रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा मेरी वीडियो देखने के बाद, मगर आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। यही लड़ाई हमेशा आपके पास चलती है, एक होता है सोना, दूसरा होता है पढ़ना। सोने के बाद तुरंत मजा मिल जाएगा, हाँ 6 घंटे तक बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, और पढ़ोगे आप तो पढ़ने में मजा तुरंत थोड़ी मिलता है, पढ़ने में जिस दिन रिजल्ट आएगा, पता चलेगा रैंक 1 आ गई या सिलेक्शन हो गया, तब मजा मिलेगा, और जीवन भर रैंक आपके पास रहती है, वो रैंक वो सिलेक्शन जीवन भर रहेगा आपके पास, कुछ क्षण के लिए नहीं। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, प्रियेश, संजीव, अजय, आसिफ, एवरीवन। ये देखो डिलेड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में क्या है कि जैसे जैसे टाइम है उधर प्लेजर है, एक्स एक्सिस पर टाइम, इधर प्लेजर, टाइम बढ़ रहा है देखो तो प्लेजर बढ़ रहा है, आपको तुरंत ज्यादा प्लेजर मिलेगा, मजा खूब मिलेगा, तुरंत खाओगे तुरंत मजा मिलेगा, मगर धीरे धीरे वो मजा घटता जाएगा और लंबे समय आपका प्लेजर नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में पिज्जा खा खा के मोटे हो जाओगे, तमाम बीमारियां हो जाएंगी, शुगर की, हाई ब्लड प्रेशर की, डॉक्टर कहेगा तुम कुछ नहीं खा सकते, अब कहां से मजा लोगे, लास्ट में मजा नहीं, निगेटिव में प्लेजर चला गया, निगेटिव में देखो ग्राफ के तो मास्टर हो आप। और अगर डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आपने विश्वास किया कि जो चीजें भले तुरंत मजा नहीं देती है, लंबे समय में मजा देती है, आप अगर उसको फॉलो कर ले गए तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, तुरंत तो मजा नहीं आएगा सैलेड खाने में, पढ़ने में नहीं मजा आएगा, निगेटिव में मजा जा रहा है, देखो कष्ट होता है पढ़ने में भाई, मजा थोड़ी आता पढ़ने में, किसी को मजा नहीं आता, जो टॉपर से उनको भी नहीं, बट अपनी इंद्रियों को वश में करके किसी तरीके से पढ़ ले जाते हैं 1-2 साल तक। अब देखो टाइम यहां पे है तो प्लेजर आपका निगेटिव हो रहा है, धीरे धीरे प्लेजर आपका 0, फिर प्लेजर पॉजिटिव में, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, फिर लगातार मजा आपको मिलेगा, जिस दिन सेलेक्ट हो गया उसके बाद मजा ही मजा है जीवन भर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो जो ये थे आसिफ और थे, इन दोनों की स्टडी की गई इसके माध्यम से, और ये निष्कर्ष निकाला गया क्या, इन दोनों की एक तो इस टेस्ट की स्टडी की गई और बाद में इन लोगों की पूरी लाइफ की एनालिसिस की गई, पूरे लाइफ की, और ये पाया गया कि जो बच्चे अजय वाले कैटेगरी में थे, जो टेस्ट में फेल हो गए, वो बच्चे नशाखोरी के शिकार जल्दी हो गए थे, वो बच्चे फास्ट फूड ज्यादा सेवन करते थे, अपनी एक्सरसाइज पर, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते थे, जिम वगैरह नहीं जाते थे, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, सेविंग वगैरह नहीं कर पाते थे, कैसे सेविंग करेंगे, जिस दिन सैलरी आई उसी दिन पैसा खत्म, मार्केट में गए यार ये भी अच्छा ये भी अच्छा ये भी अच्छा, रोक तो पाते नहीं अपने आप को खरीदने से, 5 दिन के अंदर ही सैलरी खत्म, बाकी के 25 दिन उधारी पे काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कोई नशाखोरी की बात किया, हाँ यार इसमें बड़ा मजा है यार, आपने कहा लाओ ट्राई करते हैं, एक बार सेवन किया वाह वाह, नशाखोरी के शिकार हो गए, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए इस कैटेगरी के बच्चे जो इसमें फेल हुए थे, क्योंकि इसको इनको तुरंत मजा मिला और तुरंत काम को कर दिया, बाद में क्या होगा, जेल में जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था, पैसा नहीं बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस कैटेगरी में जो लोग थे, आसिफ की कैटेगरी में जो लोगों ने अपने आप को रोक लिया था, इन लोगों की जब लाइफ की स्टडी की गई तो ये लोग अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, इनके पास सेविंग भी थी, कई सारे सेविंग प्लान्स इनके पास थे, अपने हेल्थ पे अच्छा ध्यान देते थे, अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखते थे, क्रिमिनल एक्टिविटी में कम इन्वॉल्व हुए या नशाखोरी के कम शिकार हुए ये सारे लोग, इस कैटेगरी में जो लोग थे। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 2 बच्चों के ग्रुप पे और उन बच्चों की पूरी लाइफ की एनालिसिस की गई और ये पाया गया कि जो टेस्ट का रिजल्ट था वो बहुत हद तक सही था। यानी अगर 2 लोगों में से ये चेक करना हो कि कौन लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, कौन कम सक्सेसफुल हो सकता है, तो इस टेस्ट की मदद से आप बता सकते हो। देखो हर कहानी जो है अपने आप को रोकने की है। अगर आपको, आपके पास 2 काम है, एक काम है तुरंत मजा देगा मगर आपके लिए यूजफुल नहीं है लंबे रन में, और दूसरा काम है जो आपको तुरंत मजा नहीं देगा, कष्ट होगा आपको मगर लंबे रन में आपको मजा देगा, फायदा देगा। तो अगर आप तुरंत मजा देने वाला काम जो है उसको आपने डिले कर दिया कि नहीं मैं इसको नहीं करूंगा, हटो मैं उस काम को करूंगा जो मुझे बाद में बड़ा रिजल्ट देगा, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा है। बात आ रही समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। रितेश राज, बात आ रही समझ में?
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हर वक्त इन दोनों चीजों की लड़ाई होती है। क्लास खत्म होगी आपकी, यूट्यूब बंद करोगे आप, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होगा, पहला दोस्त से बात करके थोड़ा सा गप्पे लड़ा लें, दूसरा पढ़ लें। गप्पे लड़ाओगे तो तुरंत मजा मिलेगा, 3 महीने बाद कोई मजा नहीं मिलेगा उस गप्पे लड़ाने का। और अगर पढ़ लोगे तो तुरंत पढ़ने में मजा नहीं मिलेगा, पढ़ने में मजा नहीं मिलेगा तुरंत, मगर लंबे समय में उसका आपको फायदा मिलेगा। सो यू हैव ऑलवेज टू चॉइस, वन गिव्स यू द इमीडिएट रिजल्ट, इमीडिएट हैप्पीनेस, एंड सेकेंड गिव्स यू द डिलेड हैप्पीनेस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड रिवार्ड, बट दिस विल बी बिग रिवार्ड। बोलो हाँ या ना। इंस्टेंट रिवार्ड होता तो अच्छा है, लेकिन तुरंत के लिए। बोलो हाँ या ना। प्रियंका, भारती, आसिफ, एवरीवन कम ऑन। आप कभी शॉपिंग करने जाते हो, कभी शॉपिंग करने आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, कई बच्चे क्या होते हैं, यार ये कपड़ा तो नया आया है, इसको खरीद लेते हैं, ये तो बिल्कुल नए मॉडल का आया है, ये तो सुशांत सिंह राजपूत पहनते हैं, या ये तो सलमान खान पहनते हैं। आप उन चीजों को देख करके आप बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते हो, और नए नए डिजाइन के कपड़े आते हैं, या लड़कियां जाती हैं नए नए डिजाइन के कपड़े या ज्वेलरी वगैरह आती है तो उसको खरीद के लेके आ जाती हैं। तुरंत देखा, तुरंत मन किया, तुरंत खरीद लिया, तुरंत तो मजा मिल गया, बाकी पूरा महीने का 29 दिन जो है जब जेब में पैसा नहीं रहता, चिंटू सोचता है यार किताबें खरीदनी है, पैसा नहीं है, अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना, उसके लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि तो पैसा आपने वेस्ट कर दिया किसी और चीज में। हमेशा आपके पास दो च्वाइस होती है या नहीं होती है, बोलो। आसिफ, प्रियेश, पुष्पेंद्र, तीर्थंकर, प्रियंका, आकाश, एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। और दूसरी चीज ये भी होती है ना कि हम फ्यूचर में तो कहते हैं कि हम अच्छी चीजें करेंगे, जैसे एक मैं कर कहूं कि आपको परसों कुछ मिलेगा खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, आप चॉकलेट खाना पसंद करोगे या गुलाब जामुन खाना या सेब खाना, तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर मैंने आपसे कहा कि परसों सुबह ब्रेकफास्ट में आपके पास दो ऑप्शन है, एक गुलाब जामुन का और एक एप्पल का, तो क्या चूज करोगे आप? एवरीवन, क्या चूज करोगे आप? परसों ब्रेकफास्ट में आपको एक एप्पल मिलेगा जो हेल्थ के लिए अच्छा है, दूसरा गुलाब जामुन मिलेगी जो बहुत मजा आता है, तो क्या चूज करोगे आप? परसों की बात है, अच्छा सर एप्पल खाएंगे, दैट इज गुड फॉर माई हेल्थ। फ्यूचर में हम सभी बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं। और अगर मैं पूछूं अभी के लिए क्या खाना पसंद करोगे आप, एक ऑप्शन है एप्पल या एप्पल, दूसरा ऑप्शन है गुलाब जामुन या चॉकलेट, अभी के अभी, तो आप कहोगे सर एप्पल अच्छा तो है हेल्थ के लिए, अगर अभी के अभी की बात हो रही है सर, तो गुलाब जामुन खिला दो या चॉकलेट खिला दो। क्योंकि तो जब तुरंत की बात होती है तो आप रोक नहीं पाते हो अपने आप को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे क्राइम होते हैं आपकी कंट्री में, इंस्टेंट प्लेजर के लिए, उनको बाद की फिक्र ही नहीं होती क्या होगा, जेल में जाएंगे क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप भी उसी चक्कर में पड़ते हो, मगर YouTube चला लेते हो, कुछ ऐसी चीजें खा लेते हो जो आपको तुरंत मजा देती हैं, लॉन्ग रन में मजा नहीं देती हैं। तो यू हैव टू फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब करोगे कैसे ऐसा आप, करोगे कैसा आप, करोगे कैसे ऐसा? जब भी आपका मन किसी ऐसी चीज को करने को करे जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, मगर आपका मन कहता है कर दो, तो उसको डिले कर दो। डिले करो मतलब मना मत करो, आपका मन कह रहा है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो अपने कमरे में, आपका मन कह रहा है चलो यार बाहर चाय पी के आते हैं, अब आप अगर अपने मन को मना करोगे, आपका मन तो आपको उल्लू बना रहा है, क्या बना रहा है? उल्लू। आप सुबह से 4-5 घंटे पढ़ चुके हो, अभी आपको चाय पीने का मन कर रहा है, आपका मन उस चाय पीने के बहाने आपको बहुत दूर कर देगा पढ़ाई से, डाइवर्ट कर देगा, आप बाहर जाओगे, किसी से मिलोगे, आओगे, कुछ और करना स्टार्ट कर दोगे। आपका मन क्या कहता है कि बस 2 मिनट के लिए चाय पीने चलते हैं नीचे, फिर आके पढ़ लेंगे, ये कह के उल्लू बनाता है। और आप जब नीचे जाते हो तो पता नहीं क्या क्या करने लगते हो, कोई दोस्त मिल जाता है फिर उसके साथ घूमने निकल जाते हो। तो आपका दिमाग जब आपको उल्लू बनाता है तो आप अपने दिमाग को उल्लू बनाओ। कैसे? जब आपका दिमाग कहे चलो चाय पी के आते हैं फिर पढ़ाई करेंगे, तो अपने दिमाग को कहो अच्छा ठीक है चलेंगे चाय पीने चलेंगे, 1 घंटा और पढ़ लेते हैं, प्लस 1 घंटा और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आपका दिमाग कहेगा अरे चलो ना यार 1 घंटा क्यों और सॉल्व करना चाहते हो, आपको नहीं चलेंगे बाहर चाय चले पियेंगे बट 1 घंटा और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, आपका दिमाग मान जाएगा 1 घंटा और सॉल्व करो, फिर आपका दिमाग कहेगा अब तो चलो हो गया 1 घंटा, तो आप कहोगे अपने दिमाग से क्या थोड़ी देर और रुक जाओ 1 घंटा और कुछ पढ़ लेते हैं, राजकुमार सर ने कुछ होमवर्क दिया था वो कर लेते हैं फिर चलेंगे बाहर चाय पियेंगे आराम से, बाहर चलेंगे चाय पियेंगे, समोसे भी खा लेंगे चलो, जलेबी भी खा लेंगे,
अपने दिमाग को कैसे भिगा कि आप उल्लू बना दो, फिर आपका दिमाग कहेगा अच्छा चाय के साथ समोसा और जलेबी भी मिलेगी, तो आपका दिमाग हो सकता है मान जाए। फिर 2 घंटे जैसे ही आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, फिर आप थक जाओगे, आप अपने दिमाग से कह सकते हो यार अब तो थक गए हैं, बाहर की दुकान भी शायद बंद हो गई होगी, अंधेरा हो गया, चलो सो जाते हैं, कल चाय वगैरह पी लेंगे। तो आपने अपने दिमाग को मना लिया। जो बातें पहला फुसला के आपका दिमाग आपको उल्लू बनाता है, वही चीजें कह के आपको अपने दिमाग को उल्लू बनानी है। बोलो हाँ या ना। अरे भाई तो आपका दिमाग बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा। पढ़ने के बाद 5 मिनट के ब्रेक में क्या करता है, एक बार गाना सुनेंगे बस, 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए। आपका दिमाग यही कह के तो यूट्यूब खुलवाता है आपसे, लेकिन आपकी उंगलियां 5 मिनट के बाद बिल्कुल खो जाती हैं। फिर 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का बन जाता है। आप अपने दिमाग से कहो 5 मिनट में गाना सुनना चाहते हो, ठीक है गाना एक नहीं दो सुनेंगे 1 घंटा और पढ़ने के बाद। आप अपने दिमाग को मना मत करो, वरना आप नहीं जीत पाओगे। आपका दिमाग फिर आपसे लड़ाई करने लगेगा, उसको कंफ्यूज करो कि तुम्हें मिलेगा जो तुम्हें चाहिए मगर कुछ देर बाद मिलेगा। तो कहावत यह है कि डिले योर इम्पल्सेज, टेम योर इम्पल्सेज। जिसके पास जितनी ज्यादा काबिलियत है अपनी इम्पल्सेज को, अपने आवेगों को डिले करने का, उसकी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है लाइफ में सक्सेसफुल होने की। जो अपनी ग्रेटिफिकेशन को या अपनी इच्छाओं को, अपने इम्पल्सेज को तुरंत पूरा करना चाहता है, उसके सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम रहते हैं लाइफ में। इसे ही बोलते हैं कि डिले योर इम्पल्सेज या टेम योर इम्पल्सेज, अपनी इम्पल्सेज। आपको कोई चीज चाहिए और आपको चीज कब मिलेगी उसके बीच का गैप बढ़ा दो गैप। और जब गैप बढ़ाओगे हो सकता है वो चीज और डिले होती जाए या खत्म होती जाए, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते आप उसको। कोई बच्चा अगर रोता है कहता है भैया मुझे खिलौना चाहिए, भैया मुझे खिलौना चाहिए, चलो अभी मार्केट से खरीद के ले आओ, अगर आप कहोगे नहीं तुम्हें खिलौना नहीं मिलेगा तो बच्चा रोएगा चीखेगा, चुप नहीं होगा, चुप होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप उससे अगर ये कहते हो बेटा तुम्हें खिलौना मिलेगा मगर आज तो मार्केट में बंद है या मार्केट में नहीं मिलेगा, कल तुम्हें हम लेके चलेंगे, कल तुम्हें खिलौना दिला देंगे, तो हो सकता है वो चुप हो जाए कल के नाम पे। ऐसे ही आपका दिमाग जो है उसको मना मत करो, वो आपको जैसे धोखा देता है आप उसको धोखा दो। वो कहता है 1 घंटा पढ़ने के बाद ठीक है अब थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं फिर बाद में पढ़ाई करेंगे, आप अपने दिमाग से उल्लू बनाओ, नहीं पहले और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर और कोई काम करेंगे। आपका दिमाग हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है जिसमें उसको तुरंत मजा मिले, और आपको वो काम नहीं करना, आपको वो काम करना है जिससे मजा भले बाद में मिले लेकिन बड़ा रिजल्ट मिले। अगर आप पढ़ाई करते हो तो रिजल्ट आपको पढ़ाई के दौरान क्या मजा मिलता है क्या? नहीं। मगर जब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद आसान होगी लाइफ, तो फिर मजा वो लंबे समय तक रहेगा। तुरंत का मजा, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, यूट्यूब का गाना सुन लो, कुछ भी कर लो, मजा तुरंत का रहेगा, लंबे समय का नहीं रहेगा। तो सीखा आपने दिमाग को कैसे डाइवर्ट करना है? बोलो हाँ या ना। खुद कंफ्यूज नहीं होना है, अपने दिमाग को कंफ्यूज करना है। इसे ही क्या बोलते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कि जिन लोगों ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं, और जो लोग इसमें बिलीव करते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, नहीं नहीं मुझे अभी के अभी सब कुछ चाहिए, तो फिर ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, मॉर्स मैलो एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला गया कि जो बच्चे अजय की कैटेगरी में थे, जो ये तक नहीं रुक पाए 1 घंटा, जबकि कल से हर दिन उनको 2 किलो गुलाब जामुन मिलने वाली थी, वो बच्चे लाइफ में क्या करेंगे, नहीं रुक पाएंगे वो। और इस कैटेगरी के बच्चे जो अपने आप को रोक लिए थे वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि वो काम करना है जो तुरंत मजा दे। तुरंत मतलब मान लीजिए आप बाहर खाना खाने गए, होटल में आप बाहर रहते हो, बाहर खाना खाने गए, बढ़िया खाना मिला आपको, खूब पनीर रोटी चावल सब्जी पेट भर का खा लिया, खाने में मजा आया, उसके बाद आके सो गए। तुरंत तो मजा मिलता है खाना खाने के दौरान, मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे बहुत रेयर लोग हैं जो खाने के दौरान कम खाते हैं भले ही उनकी फेवरेट चीजें हों, क्योंकि उनको पता है अगर हेल्थ का ख्याल रखना है, लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए आपको अच्छा अच्छी हेल्थ, तो आपको थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। ढेर सारा खा के आओगे सो जाओगे, पढ़ाई तो कर नहीं पाओगे। पढ़ाई करना तो आपके लिए यूजफुल है, पढ़ाई करोगे तो उसका रिजल्ट बाद में मिलेगा और बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ढेर सारा और फेवरेट खाना खाने का रिजल्ट इमीडिएट मिलेगा मगर 2 दिन बाद उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, निगेटिव इम्पैक्ट ही होगा आपकी बॉडी पे। ठीक है, ये कहानी थी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। और कुछ आपकी क्वेरी है तो बताइए। पुष्पेंद्र, प्रियेश, एवरीवन, और कुछ कहना है तो बताइए।
तो यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, नॉट द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, बाकी और कोई आपको क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हो 9717279116, राइट, इस व्हाट्सएप नंबर पे 9717279116। अगर आपको कोई क्वेरी है अनअकैडमी से रिलेटेड, एसएससी से, टीचर से, बैच से, सब्सक्रिप्शन से, डिस्काउंट से, कोई भी, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो इस पे मुझसे, राइट। और बताइए कुछ कहना या पूछना है आपको तो। आपकी क्लासेज डीसी मशीन की कल से स्टार्ट हो जाएंगी, कल 10 बजे से डीसी मशीन की क्लासेज आपकी कल 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो, रितेश राज का कहना, हमारा दिमाग तो पढ़ने के लिए कहता है लेकिन हम पढ़ाई को ही डिले कर देते हैं। अरे ऐसे डिले मत करो वरना सपने भी बहुत डिले हो जाएंगे, सपने भी बहुत डिले हो जाएंगे। रवि रंजन का कहना, सवाल, सारे सवालों का जवाब होते हुए भी सवाल क्यों है। प्रियेश गौर, पुष्पेंद्र, आसिफ, एवरीवन, और बोलो कुछ कहना है तो, और कुछ कहना है आप लोगों को तो बताइए। जो भी आपकी क्लासेस चल रही थी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, देखो ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनका आपको यूज करना है, यूज करना है। जैसे मान लीजिए मेरे आप सामने एक ऑप्शन हो, एक लड्डू है मेरे पास, मान लीजिए मुझे लड्डू बहुत पसंद है, एक ऑप्शन में तुरंत लड्डू खा लूँ, मज़ा मिलेगा, बाद में शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिंदगी भर परेशान रहूँगा। दूसरा ऑप्शन में लड्डू ना खाऊँ, लड्डू ना खा के मैं सैलड खा लूँ, मैं दूध पी लूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, तो तुरंत सा दूध पीने में, सैलड खाने में वो मज़ा ना आए, मगर हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अच्छी हेल्थ का होना अपने आप में बहुत बड़ा मजा है लंबे समय के लिए। ठीक है, तो आज की कहानी पे खत्म करते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद। बाकी आपको कोई क्वेरी है तो नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, राइट।